नमस्कार। कल हम लोगों ने प्रकृति और पुरुष या दृष्टा और दृश्य इन दोनों के निरूपण के संदर्भ में पढ़ा। दरवाजा बंद करो। आज इन दोनों के संयोग के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का वास्तविक स्वरूप क्या है ये हमने पढ़ा। अब कोई भी चीज है, अगर दो चीजें आपस में मिलती हैं तो पहला काम क्या होता है, मान लीजिए संयोग का जो सामान्य नियम है, इधर देखो, संयोग का एक सामान्य नियम है कि दो चीजें, मान लीजिए ए और बी, जिन दोनों का संयोग हो रहा है तो परिणाम क्या होगा, ए के कुछ लक्षण बी में और बी के कुछ लक्षण ए में महसूस होने लगे, होगा ऐसा ना। इसको ऐसे आप लौकिक उदाहरण से भी देख सकते हो कि जो मनीष पतंजलि का कॉन्सेप्ट है संयोग का, जहाँ प्रकृति और पुरुष का, अगर उसकी व्यवहारिकता देखो तो मान लीजिए ए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और इन दोनों की दोस्ती हो गई, तो जब दोस्ती होगी तो ए की कुछ आदतें बी में आ जाएंगी, बी की कुछ आदतें, ऐसा होगा ना। ये संयोग का आधार है, इसी आधार पर कहा जाता है कि संगति हरदम सोच समझ के करनी चाहिए। जैसी संगत आप करोगे तो आपके व्यवहार से, आपकी आदतों से दूसरा वाला भी प्रभावित होगा और दूसरों की आदतों से आप भी प्रभावित। ये नियम इक्वालिटी में ज़्यादा लागू होता है। मान लीजिए पिता पुत्र का साथ है तो पिता पुत्र में इक्वालिटी नहीं है, इसलिए परिणाम क्या होगा, पिता के गुणों का पुत्र पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा लेकिन पुत्र के गुणों का पिता पे कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहाँ मित्रता होती है तो मित्रता किससे होती है, समानता में, तो वहाँ एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कई बार प्रभावित भी करते हैं और कई बार जबरदस्ती भी करते हैं, बल का भी प्रयोग करते हैं। कहते नहीं कैसी दोस्ती, दोस्ती के नाम ये काम करिए, करते नहीं लोग, बहुत बहुत काम हो जाते हैं दोस्ती के नाम। तो यहाँ प्रकृति पुरुष का जो संयोग है उसमें आप देखिए कुछ समानता है और कुछ विषमता है। समानता क्या है, दोनों नित्य हैं, यानी दोनों बराबर पावरफुल हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो है एक नित्य और एक अनित्य है, दोनों स्वतंत्र हैं अपने अस्तित्व के लिए। अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति और पुरुष ये दोनों किसी दूसरे पर निर्भर, तो दोनों क्या है, नित्य हैं, ये समानता है। और असमानता जो है वो ऐसी है कि एक में है और दूसरे में नहीं, एक जड़ है तो जो जड़ है उसमें चेतना नहीं है और जिसमें चेतना है उसमें, तो अगर दो की दोस्ती हो और दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, दोनों में योग्यता एक तो बराबर है, दूसरा है एक गरीब है और एक अमीर है, तो जो गरीब है उसके पास बुद्धि ज़्यादा है और जो अमीर है उसके पास धन है, बुद्धि कम है, तो परिणाम क्या होगा, उसकी बुद्धि से वो कहेगा भाई अपनी बुद्धि का कुछ मुझे लाभ और वो कहेगा मुझे अपने धन का कुछ लाभ, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। ऐसा ही कुछ संयोग इसमें भी है, इसीलिए सांख्य दर्शन जब इस संयोग को समझाने का प्रयास करता है तो अंधे और लंगड़े का संयोग बताता है। एक कहानी इसमें सांख्य कारिका और सांख्य दर्शन में मिलती है प्रकृति और पुरुष को समझाने के लिए, कि जैसे एक जगह बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में सभी लोग अपने अपने प्राण रक्षा के लिए भागने लगे, चलने लगे, तो उसमें एक अंधा था और एक लंगड़ा था, तो अंधे को दिखाई नहीं पड़ता था और लंगड़ा देख रहा था लेकिन वो चल नहीं सकता था, तो दोनों ने कहा चलो हम आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। तो लंगड़े ने कहा मुझको अंधे से कि अपने कंधे पर बैठा, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, तो जो अंधा था वो ताकतवर था लेकिन देख नहीं सकता था और जो लंगड़ा था वो देख सकता था लेकिन उसके पैरों में सामर्थ्य नहीं थी चलने की, वो रास्ता बताता चल रहा भाई इधर चलिए इधर चलिए, और अंधा आदमी जिधर वो लंगड़ा बताता उधर वो चलता है, तो दोनों का काम हो गया और अपनी प्राण, दोनों ने अपने प्राण रक्षा कर ली। इस उदाहरण को प्रकृति पुरुष के संयोग के कॉन्सेप्ट में समझाते हुए बताया जाता है कि इसी तरह से प्रकृति और पुरुष हैं, एक जड़ है और एक चेतन। तो चेतना का काम जड़, प्रकृति में चेतना आती नहीं है लेकिन चेतना महसूस होने लगती है, चेतना वाला काम सब होने लगता है। और पुरुष क्या क्या है, पुरुष जो निष्क्रिय है लेकिन निष्क्रिय होते हुए भी जो सक्रियता का, जो चंचलता का गुण है प्रकृति का, वो पुरुष में चला जाता है और पुरुष अपने
आप को सुखी दुखी ये सब अनुभव करने लगता है। आप सोचो जरा, अगर सुख और दुख की अनुभूति ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। अभी कल आज तक तो जो ब्लैक एंड व्हाइट आता है ना, हम लोग देखते नहीं देखते, तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो कल का एपिसोड था उसमें संभवतः इंग्लैंड या अमेरिका में से कहीं एक घटना है कि कोविड में एक लड़की की सारी टेस्ट सारा चला गया, कुछ भी इंटेक्ट करती तो उसको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा, वो रो रही थी उसमें। अब शायद उसको अचानक टेस्ट वापस आ गया। तो आप सोचिए इस तरह के, जैसे हम इन सेंसरी ऑर्गन्स को पढ़ते हैं उनका उतना महत्व नहीं समझ आता है, लेकिन किसी के जीवन में आँख का कोई नहीं है, किसी के जीवन में कान अगर ना हो, किसी के जीवन में ये सब किसके हैं, प्रकृति के हैं। पुरुष तो उनको उनसे इंजॉय कर रहा है ना, ये सब कंपोनेंट तो प्रकृति के हैं। किसी का स्वाद ही चला गया, अब उसको कोई भी खाना हो सारा खाना उसको उसमें बता रहे थे कचरे जैसा लगता, देयर इज नो टेस्ट। लेकिन जिंदा रहना है तो खाना। तो कितनी पीड़ाफुल जिंदगी हो जाती। ये जो संयोग का कॉन्सेप्ट है ये यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म लेवल का है, लेकिन यह व्यवहारिक भी है, और व्यवहारिकता में जो नियम अप्लाई होता है वही नियम दार्शनिक लेवल पर भी अप्लाई है। और बिल्कुल इस दार्शनिक सिद्धांत को व्यवहारिक अंधे और लंगड़े का उदाहरण देकर के शांति कारिका में खुद समझाया। अब इसमें हम संयोग का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुत कुछ संयोग का स्वरूप कल निरूपण में भी आ गया है, यहाँ पर के तो पुरुष का निरूपण किया जा रहा है। बाकी आज जो है सूत्र संख्या 23-24 में इसको समझने का प्रयास करें। 25-26 जो है वो कॉन्सेप्ट आप दुखवाद के अंतर्गत है, लेकिन दुखवाद में भी जब ये संयोग खत्म होगा तब क्या होगा उसका वर्णन है, और वो संयोग कैसे खत्म होगा यह सूत्र संख्या 25 और 26 में बताया। बाकी स्वरूप का उपलब्ध स्वरूप का उद्देश्य क्या है और स्वरूप किसके कारण संयोग किसके कारण हो रहा है ये 23 और 24 में बताया। तो क्या है स्वा स्वान सत्यो हो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग। हेतु मतलब उद्देश्य परपज, जैसे आप रिसर्च पेपर लिखते हैं या कहीं जाते हैं कुछ भी काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है परपज उद्देश्य। तो ये संयोग का जो स्वरूप हुआ है एक प्रकृति है, प्रकृति कैसा है प्रकृति जड़ है चंचल है त्रिगुणात्मक है सदैव परिवर्तनशील है। पुरुष कैसा है पुरुष जो है वो निष्क्रिय है चेतन ही उसका स्वरूप है। इन दोनों का जब संयोग हो रहा है तो संयोग का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य है स्वा स्वाम शक्तियों हो स्वरूप उपलब्धि हेतु। पुरुष को उसके स्वरूप का स्वरूप की उपलब्धि कराना, उसको उसका उसका स्वयं का ज्ञान कराना, ये क्या है संयोग का उद्देश्य। ठीक है ना, यानी प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों हो रहा है, प्रकृति पुरुष का संयोग हो रहा है एक तो आपने सूत्र संख्या 18 सूत्र संख्या 18 में पढ़ा जहाँ पर कहा गया था प्रकृति का निरूपण करते समय प्रकाश क्रियाशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। दृश्य क्या है, तो दृश्य है वह जो प्रकाश क्रिया और स्थित, सूत्र संख्या 18 है दूसरे। तो दृश्य क्या है, तो दृश्य वह है जिसका स्वरूप प्रकाश क्रिया और स्थित स्वरूप है, यानी कि सतर स्तंभ के जो लक्षण है उनसे युक्त है, और जो भूत इंद्रियां भूत और इंद्रियों के रूप में अपना विस्तार करके भोग और अपवर करा या भोग और अपवर के लिए वो अपना परिणामी होती है वो दृश्य है यानी वो प्रकृति। तो वो भोग और अपवर्ग का फल क्या है, वो क्यों होता है भोग और अपवर्ग, इसलिए ताकि स्वास्वामी सत्यो हो उपलब्ध स्वरूप उपलब्ध, इसी से उसको उसके स्वरूप की उपलब्धि। तो दो चीजें हैं भोग और अपवर्ग। भोग में क्या होता है, भोग में जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है तब तक होता है भोग, और जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तो हो जाता है अपवर्ग। दोनों को जो संयोग है उस संयोग की दो स्थितियां हैं, एक स्थितियां में
साथ के कारण पुरुष अपने आप को प्रकृति जैसा समझता है, यानी प्रकृति के धर्मों का स्वयं में आरोपण कर लेता है। प्रकृति का कोई कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। जैसे आप किताब के साथ हो जाएं, आप टेबल के साथ हो जाएं, आप बढ़िया अपनी MSW बोलते हैं ना, जो महंगी वाली कार होती है, BMW तो कोर्स होता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इधर उधर काफ़ी टेस्ट हो जाता है। तो BMW जो बढ़िया सबसे महंगे वाली कार है, और फोन सबसे महंगा वाला कौन सा आता है? आईफोन, एप्पल वाला, आप जानते हैं। तो ये तो जड़ है ना, उसको तो मोह से होगा नहीं आपको। मान लीजिए आपका एप्पल वाले फोन से, इनका संजना का हो गया, एप्पल वाले फोन से संयोग, इन्होंने बढ़िया सा महंगा वाला फोन खरीदा कल की डेट में, और इन्होंने BMW खरीदी सहकार। तो अब अगर कुछ भी हो जाए, इनको कुछ चोट लग जाए या BMW को चोट लग जाए, तो BMW को तो कोई तकलीफ होगी नहीं, तो जड़ है ना। एप्पल फोन गिर जाए या इनको संजना को ही कुछ कहीं चोट लग जाए, तो एप्पल फोन को कोई तकलीफ थोड़े होगी, तो जड़ है। लेकिन साथ होने के कारण अगर उसको जिस दिन खरीद के लाए उसी दिन अगर खरोच लग जाए, क्या होगा उस दिन, आप सोच सकते हैं? और सहकार की अगर उसी दिन कार जो है वो मोड़ते समय जाके पेड़ से टकरा जाए और पूरी खुरच जाए, तो इनका क्या हाल होगा? वो पूरा खुरच शायद इनके ऊपर उतना खुरच जाता हार पैर में, तो उतनी तकलीफ ना होती, ड्यू टू संयोग, संयोग के कारण हो रहा है ना। तो किसी को कुछ हो, चाहे प्रकृति को कुछ हो चाहे पुरुष को कुछ हो, तकलीफ पुरुष को ही होगी, क्योंकि ये चेतन है, जड़ में तो कुछ थोड़े हो। यही हाल इनसे भी है, टेबल मेज, लेकिन टेबल मेज में इतना नहीं होगा, लेकिन इनकी कीमत कम है, और BMW की बहुत ज़्यादा कीमत है, एप्पल फोन की बहुत ज़्यादा कीमत है। इसी तरह का और भी उदाहरण हो सकते हैं, मेरे लिए मेरी किताब की बहुत ज़्यादा कीमत, कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोले कि किताब मिल जाए, तो किताब अगर मेरी चोरी हो जाए, खो जाए, तो मैं तो 4 दिन सो नहीं पाऊँगा, किताब को थोड़ी कोई तकलीफ होगी। क्यों? ड्यू टू संयोग, संयोग के कारण उससे मेरा जो अटैचमेंट हो गया, मैंने उसको अपने आप को उसके साथ जो बांध दिया, जो जोड़ दिया, वो जितना मजबूती से हम जोड़ देंगे उतना ज़्यादा हमें उसमें कुछ होने से तकलीफ होगी। तो ये जो संयोग के कारण एक से दूसरा प्रभावित हो रहा है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं भोग। ठीक, भोग समझ में आ गया? इसको अगर एक लाइन दो लाइन में लिखना हो तो पुरुष द्वारा, क्योंकि भोग किसका होगा? जो चेतन है। पहली बात तो भोग किसका होगा? जो चेतन है। प्रकृति का थोड़े होगा, BMW का थोड़े होगा, एप्पल फोन का थोड़े होगा, उसके ऊपर ट्रक चढ़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो होगा वो उसके मालिक का ही होगा। तो इन दोनों स्थितियों में भोग किसका हो रहा है? पुरुष का। और जब ज्ञान हो जाए, किसका ज्ञान हो जाए? कि प्रकृति का, जो कल आपने पढ़ा था निरूपण में, प्रकृति के धर्म क्या हैं और मेरे स्वयं के धर्म क्या हैं, मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान हो जाए, तो ऐसी अवस्था ज्ञान के बाद कहलाती है अवर। तो जब इनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान किसको होगा बताइए? प्रकृति को होगा कि पुरुष को होगा? किसको ज्ञान होगा? पुरुष को होगा। प्रकृति को क्या ज्ञान होगा? वो तो जड़ है ना, ज्ञाता कौन है? पुरुष है। किसका ज्ञान होगा? स्वस्वामी सत्यो, दोनों का, पुरुष का भी, पुरुष को स्वयं अपना भी और प्रकृति का भी, दोनों का जब उसको ज्ञान हो जाए, और फिर भेद ज्ञान हो जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष, दोनों का भेद ज्ञान हो जाए, तो इसी भेद ज्ञान का ये अवस्था कहलाती है अपवर्ग, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति, और इसी को कहते हैं विवेक ख्याति, ठीक है। जब पुरुष को स्वयं और प्रकृति के बीच का भेद ज्ञान हो जाए, तो उस ज्ञान का नाम है अक्लिष्ट वृत्ति, क्योंकि जितने भी ज्ञान है वो सब क्या है? सब वृत्ति। उस ज्ञान का नाम है अक्लिष्ट वृत्ति या विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मीन्स होता है दोनों के भेद का ज्ञान रखने वाली बुद्धि, ख्याति माने होता है बुद्धि,
ज्ञान, और विवेक मीन्स इस बात का ज्ञान, प्रतीत क्या है और पुरुष है, तो विवेक ख्याति का भी यही मतलब हुआ, ये जो यहाँ पर विवेक ख्याति का, तो विवेक ख्याति मीन्स प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान और यह ज्ञान जब आता है तो उस स्टेज का नाम है अपवर, और जब यह ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकृत पुरुष के धर्मों को भी अपना धर्म मान करके वही अनुभव करेगा जो प्रकृत के धर्म, तो ऐसी अवस्था कहलाती है। तो संयोग का उद्देश्य क्या हुआ, संयोग का जो अंतिम उद्देश्य है जिसके बाद संयोग खत्म हो जाएगा, उस उद्देश्य का नाम है स्वस्वरूप उपलब्धि, अपने स्वरूप की उपलब्धि होना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। तस्य हेतुर अविद्या, ये संयोग का हेतु क्या है, अविद्या। अब देखिए अविद्या के कारण ही संयोग होता है और संयोग ही अविद्या को नष्ट करता है। अविद्या क्या है, भेद ज्ञान न होना। तो जब अविद्या ये खत्म हो जाएगी तो संयोग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कारण खत्म होने से कार्य, ये दर्शन का नियम है। कोई भी जैसे पंखा चल रहा है, कारण क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ तक आना, किसी भी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आने से रुक जाए तो पंखा चलेगा कि बंद हो जाएगा, तो ये नियम है। किसी भी कार्य का कारण अगर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो कार्य अपने आप, कारण के नष्ट होने से कार्य नष्ट हो जाता है। तो ये संयोग, संयोग का कारण क्या है, अविद्या। तो अगर अविद्या हट जाए तो संयोग हट जाए, ठीक है ना, न रहेगा अविद्या तो न रहेगा संयोग। और अविद्या का मतलब क्या है, पुरुष द्वारा प्रकृति के धर्मों को स्वयं में आरोपित करना, यही भोग है और यही अविद्या की भी स्टेज, ठीक है। अविद्या की परिभाषा पढ़ी तो नहीं थी, अविद्या क्या पड़ेगी, दुख में सुख का अनुभव करना, अनाथ में आत्म का, अनाथ मतलब जड़, और उसमें क्या अनुभव करना, आत्मा, अनित्य में नित्य का, जो अनित्य वस्तुएं हैं उनको नित्य समझना, शरीर हमारा नित्य है कि अनित्य है, फिर बोलो अनित्य है, और इसको हम व्यवहार कैसा करते हैं, नित्य वाला जैसा, ऐसा करते हैं जैसे कि हमें मरना ही नहीं, ढेर सारी दुख की चीजें जैसे मकान बनाना, जैसे परिवार बसाना, जैसे ही परिवार बसाने समस्या नहीं, उससे संबंध जो अटैचमेंट है उससे समस्या है, इनको हम क्या समझते हैं, इसमें सुख होगा, और जब कर लेते तो बाद में समझ में आता कि नहीं, तो वो सबसे बड़ा दुख कारण है, तो बाद में समझ में आता है ना। तो दुख में सुख को समझना और अनाथ में आत्म को समझना और अपवित्र में पवित्रता समझना, ये सब क्या है, ये सब अविद्या के लक्षण, यही अविद्या, चार उसमें कैटेगरी बताएगी, तो इसी में भी आ जाएगा। तो अगर ये उल्टा हो जाए, सुख को भी दुख समझना, यही तो बताया गया है कि जिसको आप सुख समझते वास्तव में ये दुख है, तो तीन प्रकार के परिणाम ताप संस्कार दुख बताए गए हैं, तो ये परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख किसके लिए है, ये अज्ञानियों के लिए है, मूढ़ों के लिए है, विवेकवानों के लिए तीनों दुख ही हैं, जिसको आप सुख कहते हैं उनको उसको भी दुख ही मानते हैं, क्योंकि उनसे तो सबसे बड़ा दुख उत्पन्न होता है, तो विवेकवानों के लिए सब दुख में है। अगर ये हो जाए कि जिसको आप सुख समझते हो वो दुख के रूप में प्रतीति हो जाए, और जिसे आप अनात्म समझते हो, सॉरी आत्म समझते हो, उसको अनात्म में प्रीति हो जाए, ये शरीर आप क्या समझते हो, आत्म, लेकिन यह है अनात्म, जैसे आप पवित्र समझते हो उसे अपवित्रता का उसमें ज्ञान होने लगे, तो आप समझिए कि अब अविद्या खत्म होकर के विद्या आ, ये चारों वृत्ति अगर हो जाए तो क्या होगा, विद्या, और अगर जैसे हैं वैसे हैं तो क्या होगा, अविद्या। समझ में आ रहा है ना, कि लिख दे, नित्य में, सॉरी अनित्य में नित्य, अनात्म में आत्म, अपवित्र में पवित्र, और दुख में सुख की अनुभूति अविद्या है, तो इसको उल्टा कर दो, सुख में दुख की अनुभूति, जो ये संसारिक सुख जिसको आप कहते हैं, जो योगी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, इसको दुख में तो ही मानते हैं, तो दुख में सुख में दुख की
और पवित्रता में अपवित्रता की, जिसको आप पवित्र समझ रहे हो शरीर को, आप क्या समझते हो पवित्र समझते हो, पवित्र है, ऐसे और ढेर सारी चीजें हैं, तो इनको सबको उल्टा करो। और ऐसा अगर अनुभव होने लगे तो आप समझिए क्या हुआ, अविद्या खत्म हो गई और विद्या। और यही विद्या जब आती है तो क्या होता है, अविद्या नष्ट होती है। अविद्या नष्ट होगी तो यह है कार, यह है कारण और यह है कार्य, तो यह संयोग रूपी कार्य भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसी बात को यहां कहा गया है। तद अभाव, तद अभाव, ये जो संयोग है ना, ये जो संयोग है, इसी संयोग को तद अभाव, इसको दो तरह से लिखते हैं, इसको ऐसे मिला के लिख दो तो हो जाएगा। अब ये तक हलन डट जाएगा तो उसके बाद ये आ हट जाएगा, बस आगे आगे कंटिन्यू कर दो। तो दो बता बात देखिए, तो तद अभाव संयोगाभाव, जब इसका अभाव हो जाएगा तो संयोग क्या हो जाएगा, संयोग भी नहीं रहेगा, संयोग संयोगो भावा, संयोगो भावा मतलब क्या हुआ, संयोग का अभाव हो जाएगा। तो संयोग अभाव हानम, इसी को हान कहते हैं, हान मतलब दुख रहित अवस्था कैवल्य। तद दृश्य, वो जो दृश्य है, वह जो स्टेज है, वो जो अवस्था है, कैवल्यम, कैवल्य की स्टेज, यानी कि केवल, केवल कौन सा, पुरुष, पुरुष, तो पुरुष केवल। भाई दोस्ती खत्म हुई तो जो चेतन है वही तो बचेगा, जड़ को तो एहसास कुछ होगा नहीं। भाई फोन जैसे मैंने BMW का माना उदाहरण लिया, तो BMW और उसका मालिक सरकार संयोग हुआ तो हर स्थिति में अनुभव कौन कर रहा है, और संयोग खत्म हो गया तो ही अलोन, ठीक है, कैवल्य मतलब अलोन, केवल अकेला, विदाउट प्रकृति, विदाउट BMW के, तो उसके रहित होने की अवस्था क्या है, कैवल्य, और यही दुख रहित अवस्था है। लेकिन यह वह अवस्था होगी इसमें संयोग का अभाव होगा, को प्राप्त करने का जो उपाय है, उपाय इसको आप साधन बोलते हैं। अब ये हान आएगा कैसे, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाया, हानोपाय मतलब हान का उपाय, हान का उपाय, उपाय नहीं कैसे होता भैया, कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए, ऐसे कहते हैं ना, तो हानोपाय मतलब हान का उपाय, ठीक है ना। तो हान का उपाय क्या है, विवेक ख्यातिर, विवेक ख्याति मीन्स प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान, जो है समझा रहे थे ना, वही तो विवेक ख्याति, विवेक ख्याति मीन्स बुद्धि की वह अवस्था, विवेक हरदम वहां इस्तेमाल होता जहां निर्णय लेना हो, इसीलिए हंस को क्या कहा जाता है, विवेकवान, क्यों, क्योंकि वो दूध और क्षीर में भी पानी में भी अंतर कर लेता है। विवेकवान किसे कहा जाता है, जो सही निर्णय ले सके, व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि इट इज राइट इट इज रॉन्ग, हम सबको एहसास होता है, हम सबको डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर निर्णय लेना हो इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए, सबको पता होता है ना कि ये निर्णय हमारा गलत है, ये निर्णय सही है, जो भी वैल्यूज के लेवल पे होता है, जो सिद्धांतों के लेवल पे होता है, लेकिन निर्णय हर लोग ले पाते हैं, नहीं ले पाते। और कई बार होता है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, एक तो डिसीजन वो हुआ नहीं ले पाते कि हमें मालूम है कि हमें यही उचित है, लेकिन हम मोहबश या लालचवश नहीं निर्णय ले पाते। जैसे मान लीजिए नोटों से भरा एक बैग मिल गया, तो नियम तो यही है, आपको मॉरल वैल्यू अंदर सही करें, मुझे नहीं लेना चाहिए, संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन लालचवश हम निर्णय नहीं ले पाते, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें केवल लालच है। क्या, और कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन ही नहीं समझ में आता है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट इज करेक्ट डिसीजन, वट वी शुड डू, हम नहीं डिसाइड कर पाते मुझे क्या करना चाहिए, उतनी क्षमता ही नहीं होती है। तो इन दोनों लोगों को कहा जाता है विवेकवान नहीं है। विवेक का मतलब है निर्णय लेने की सामर्थ्य भी और निर्णय की योग्यता भी, मतलब एलिजिबिलिटी भी, अंडरस्टैंडिंग भी, ये सब उनमें काम आते, डीएम है तो डीएम को तो हर पल करना पड़ता है, इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है उसी का मतलब है विवेक होना।
और इसकी जो चरमोत्कर्ष स्टेज है, जो सबसे सुपर स्टेज है, उसी का नाम है प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान। ठीक है, जिस नॉलेज की वह स्टेज जहां पर वह पुरुष अपने और प्रकृति में भेद अंतर कर लेता है, भेद समझ लेता है कि आई एम अ चेतन, इट इज जड़, तो उस बुद्धि का नाम है विवेक ख्याति। और यही बुद्धि, यही विवेक ख्याति, यही वृत्ति ही संयोग को अलग करने वाली, संयोग के अभाव को लाने वाली, ठीक है ना। इसलिए इसके आने से यही उपाय है, इसका हान उपाय, हान का उपाय है। और हान क्या है? संयोग का अभाव। और संयोग का उद्देश्य क्या है? स्वस्वरूप उपलब्ध। तो जब उद्देश्य पूरा होता है विवेक ख्याति भी आती है और हान का उपाय मिल जाता है। ठीक है, यही आपके पूरे कॉन्सेप्ट आप संयोग के अंतर्गत था। संयोग किसका किसका होता है? प्रकृति और पुरुष का होता है। दोनों का अलग अलग निरूपण क्या है वो आपने कल देखा, जिसमें कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिसिमिलरिटी है, कुछ असमानताएं हैं, कुछ समानताएं हैं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपने अपने गुणों से प्रभावित करते हैं, तो प्रभावित करने के बावजूद अनुभव कौन करेगा? जो चेतन होगा। तो अनुभव केवल पुरुष को ही होता है। अगर बर्फ और गर्म पानी आपस में मिला दो तो बर्फ पिघलेगी और गर्म पानी ठंडा होने लगेगा, तो प्रभावित दोनों होंगे, लेकिन अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने के लिए चेतन चाहिए ना। बर्फ को अनुभव होगा ना पानी को अनुभव होगा कि हम गर्म हो रहे हैं कि ठंडा हो रहे हैं, तो कोई जीव कर सकता है। उसमें कोई कीड़ा हो अनुभव कर लेगा, व्यक्ति उंगली डाल के अनुभव कर लेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास समाप्त। एनी क्वेश्चन?